لك ولم يتقدم هو وقت ولا زمان ولم يتعور هو زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات के 40वें की मजलिस के सिलसिले में आपको रहमत दी जा रही है और मेरे लिए जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि ये सिर्फ गुज़श्तगाने अमवात के ताल्लुक से बरपा की जाने वाली किसी रस्मी नशिस्त का नाम नहीं है बल्कि ये हमारे लिए फिक्री नशिस्त बन जाती है। ये एक ऐसी सूरत है आज़ादारी की कि जिसमें हमने अपने बुज़ुर्गों को भी इसी सलीके के साथ पाया है और अपने आने वाले बच्चों के हवाले भी यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इसी अंदाज से अपने न सिर्फ ये कि गुज़श्तगान और आइंदगान को याद रखा जाए बल्कि जो मौजूदगान हैं उनको भी इसी तरह से याद किया जाए। इसलिए कि हमारे लिए जो हमारी फिक्र का सरमाया है वो कलामे मजीद है और जहां हम कलामे मजीद से इतनी नजदीकी का दावा करते हैं तो वहां दलील की भी तो कोई सूरत हो कि फकत दावा ही ना हो बल्कि दलील हो और दलील भी दलील बय्यन हो, खुली हुई दलील हो, मजलिस से बेहतर और मजलिस से बरतर फिर कोई और दलील नहीं है। जहां आगाज कलाम ही में हम अपने आप को मरबूत करते हैं कलाम मजीद से, देखिए साहिबान फिक्र नजर का मजमा है। किसी किस्म से ये मैं नहीं समझता कि कहने की जरूरत होगी कि सभी पढ़े लिखे हैं। अब क्यों ना पढ़े लिखे हो, जिस आस्ताने से आप वाबिस्ता हैं वो आस्ताना ही पढ़ा लिखा है, वो आस्ताना ही इल्म और तालीम से वाबिस्ता है, वो आस्ताना ही एक ऐसा आस्ताना है कि जहां आने वाला आता है और इक्तिसाब इल्मी करके जाता है तो उस आस्ताने से हमारी वाबिस्तगी है। ऐसी सूरत में उन अफराद से गुफ्तगू करना बहुत आसान हो जाता है कि जिनकी निगाहों में और जिनके अफकार में मुसलसल कलाम मजीद शामिल रहता है। और अब जब कलाम मजीद शामिल रहता है तो मैं अगर ये कहूं आपसे कि उनवान की आयत को आपने मुलाहिजा किया, ये सूरह फज्र की आयत है। सूरह फज्र को कलाम मजीद में अगर आप उठा के देखें तो 89th चैप्टर है और इसको जाहिर के उर्दू
कि जब आदाद आप तक पहुंचाए जाते हैं तो इसका निशान नवासी बना। 89 है ये चैप्टर, ये सूरा। इस सिलसिले में आगाज में आपसे एक मेरा मारूजा है, और मेरा मारूजा ये है कि हम जब कभी कुरान को पढ़ते हैं तो जाहिर है कि जिस तरतीब में कुरान है उसी तरतीब में पढ़ा जाता है, उसी तरतीब में दोहराया जाता है, उसी तरतीब में इसके तर्जमे को भी देखा जाता है। मगर उलूम कुरान पर निगाह रखने वाले जलालुद्दीन सुयूती ने एक और तरतीब को आपकी खिदमत में पेश किया है, और यह कहकर पेश किया है कि मुत्तफिक आरा के नतीजे में एक नुजूली तरतीब भी है कलाम मजीद की, यानी कौन सा सूरा पहले आया, कौन सा सूरा बाद में आया, कौन सा सूरा मक्के में आया, कौन सा सूरा मदीने में आया, वो कौन सी आयत थी जो मक्के में आ रही थी, वो कौन सी आयत थी जो मदीने में आ रही थी, मकाम क्या है, महल क्या है, मुनासिबत क्या है, मिज़दाक क्या है, शान क्या है, यानी एक पूरे तसलसुल के साथ इस इल्म को उलूम कुरान में एक जगह मिली जिसे इल्म तंजील कुरान कहा जाता है। ये याद रखें हमारे बच्चे खास तौर पर, जो कुरान को न सिर्फ ये कि एक मौजज़ाती किताब के तौर पर पढ़ रहे हैं बल्कि उनकी फ्रीक्वेंट रीडिंग में भी कुरान रहता है। मेरा उनसे भी मुतालबा है कि जरा सा इस तरह से देखें, सूरह फज्र को जब आप देखेंगे नुजूली तरतीब में, मैंने तो जाहिर है कि आपको बताया है कि जो मौजूदा तरतीब मक्की और मदनी है जिसको आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने खुद कायम किया है, उस तरतीब के से हट के एक तरतीब वो कि जो तहकीर के नतीजे में आप तक आई, इस सूरे को कलामे मजीद के पहले 10 सूरों में जो नुजूली एतबार से आए शुमार किया जाता है। और इसका अगर मैं प्रिसाइज इसकी नंबरिंग करूं तो सूरह फज्र को कहा जाता है कि ये 10वां सूरा है नुजूली एतबार से। जरा सा गौर कीजिएगा, पहला सूरा कौन सा है अगर कोई आपसे पूछे, आपको मालूम होना चाहिए वो सूरह अलक है। उसके बाद आने वाला सूरा कौन सा है, सूरह कलम है। फिर उसके बाद सूरा कौन सा आया, मुज़म्मिल। फिर कौन सा सूरा आया, मुद्दसिर। फिर कौन सा सूरा आया, सूरह फातिहा। फिर कौन सा सूरा आया, सूरह लहब। फिर कौन सा सूरा आया, सूरह तकवीर, सूरह आला, सूरह लैल, और फिर सूरह फज्र। ये पहले वो 10 सूरे हैं जो नुजूली एतबार से आ रहे हैं। मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं आपसे, इसलिए कि जिस आयत को आज मैंने पढ़ा है मुत्तफ़िका तौर पर उलमाए तफसीर, जो बुनियादी तौर पे उलमाए कुरान हैं, हैरान हैं कि 114 सूरों पर मबनी किताब जब अपने अव्वलीन 10 सूरों का तस्किरा कर रही है तो उसकी आखिरी आयत नतीजे की आयत है, आखिरी आयत अंजाम कार की आयत है, आखिरी आयत अंजाम अमल की आयत है, आखिरी आयत इकाबो सवाब की आयत है, आखिरी आयत हिसाबो किताब की आयत है। 10 सूरों में जिसने उम्मत के मिजाज को मुअय्यन कर दिया हो उसके लिए 114 सूरों का इंतजार नहीं किया जाता। ये बतलाने के लिए मैंने इस तरतीब को आपकी खिदमत में पेश किया, और मेरा इल्मी मुतालबा ये रहता है अपने सुनने वालों से कि फकत एक अच्छा सामे बनकर मजलिस में ना आइए, बल्कि जब यहां से बुलंद हो जाए तो जो कहा जा रहा है उसको कुरान में जाके तलाश कीजिए। ये लिबर्टी ना दें आप पढ़ने वालों को कि जो वो पढ़ रहे हैं बस वही काफी है। हम काफी के मानने वाले उस तरह से नहीं है जिस तरह से कहा जाता है कि मानो, वरना तो उसूले काफी हमारे पास है। उसूल में काफी रख के हम कहते हैं काफी काफी नहीं है। ये बात चाह रहे कि मैंने आप तक पहुंचाई है। इसमें इस बात को एक और अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करूं, ये क्या आयत है, ये क्या आयत है। इसके लिए अगर एक, यानी अगर मैं आपसे कहूं मुरक्कब लफ्ज के तहत उनवान तराश लीजिए या खराश लीजिए, तो आप ये कहेंगे जो उनवान तराशा जा सकता है वो नफ्से मुतमाइन या नफ्से मुतमाइना है। नहीं मालूम कितने बोलने वालों ने इस तरकीब के साथ इस लफ्ज पर बहस की है, मुबाहिसे किए हैं, मुजादिले किए हैं, मुबाहिले किए हैं। नहीं मालूम कौन कौन सी नशिस्तें इस
नफ्से मुतमईन इस तरकीब के साथ इस लफ्ज पर हुई है, मगर आज भी मेरे सामने 100 से ज्यादा तफासीर हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूं, आज भी खुद मुफस्सिर अंदर से अपने आप को खाली महसूस करता है कि ये नफ्से मुतमईन की वजाहत की कैसे की जाए। यानी जहां मुफस्सिर को इत्मीनान नसीब न होता हो नफ्से मुतमईन को बयान करते हुए, तो वहां आलम देखिए कि कितना बुलंद मौजू होगा, कितना मोतबर मौजू होगा, कितना काबिले एतबार मौजू होगा। एक तरफ तो दुनिया कहती है शाने नुजूल में हमजा भी खड़े हुए हैं, एक तरफ तो दुनिया कह रही है शाने नुजूल में अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, एक तरफ दुनिया कह रही है शाने नुजूल के ताल्लुक से उस्मान इब्ने अफ्फान भी है, एक तरफ दुनिया ये कह रही है इससे मुराद अली इब्ने अबी तालिब भी है, एक तरफ दुनिया ये कहती है इससे मुराद हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब भी है। सब हैं कि गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन नाम से आयत का भरम कायम नहीं होता जब तक कि अमल दाखिल ना हो जाए। अमल नहीं है, नाम काफी नहीं होता, नाम लेते जाइए। यहां तक कि एक नाम भूल रहा हूं मगर बताना चाहता हूं इस लम्हे पर कि वक्त आखिर जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का दम निकल रहा था तो जो लोग अतराफ में खड़े हुए थे उन्होंने कहा हमने सदाए गैबी को सुना इस आयत की सूरत में। नहीं मालूम तफासीर को अपने सामने रखने के बाद आपकी खिदमत में इसका मैं खुलासा पेश कर रहा हूं, फकत इसलिए कि आप कम से कम इस आयत को जब पढ़ें और जब इस आयत का आप तर्जुमा करें तो बतलाने की जरूरत ना हो कि इससे मुराद कौन है, समझाने की जरूरत ना हो कि इसके शान किसके शान में ये आयतें आ रही हैं, ये कहने की जरूरत ना हो कि इसका मिज़दाक कौन है। कुरान के ताल्लुक से कभी 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 मैंने ये कहा, कुरान के ताल्लुक से कभी कभी मैंने एक बात कही है और वो बात यहां दोहरा रहा हूं, फकत इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद रहे वो बात। एक मतलब आवाज बुलंद सलावत हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम है अलहाज आवाए मिर्जाए महदी बोया आलल्लाहु मकामहू। अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ने वाले जब तक कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़ते हैं और खासतौर पर मीर अहमद अली के डिक्शन से जब वाकिफ होते हैं तो वो हाशियों में जहां जहां हाशिया है कुरान पर खिंचा हुआ वहां पे याद रखें कि वो आवाए बोया आलल्लाहु मकामहू का हाशिया है, यानी हवाशी आवाए बोया आयतुल्ला है बोया सरकार है बोया। इसी अंदाज से मेरे वालिद को लगा ही पुकारा करते थे, बुलाया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। जाहिर है कि मैं उसी सिलसिले का एक नुमाइंदा हूं और आपकी खिदमत में ये इज्जत हासिल कर रहा हूं। उन्होंने कुरान के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमने कभी भी कुरान की किसी आयत को फ्रीज नहीं किया है, हमने कभी भी कुरान की किसी आयत को जामिद करार नहीं दिया है, हमने कभी भी कुरान की किसी आयत पर पाबंदी नहीं लगाई है। कुरान की हर आयत शान को हटाकर जब मिस्दाक की बात आती है तो कयामत तक के लिए खुली हुई है, आओ दाखिल हो जाओ, लेकिन शरायत के साथ दाखिल हो जाओ, वो कंडीशंस के साथ दाखिल हो जिस पर कुरान इफ्तिकार करे, कुरान नाज करे, कुरान तुम्हारा कसीदा पढ़े। मुफक्किर नहीं, मुदब्बिर नहीं, मुफस्सिर नहीं, मुकर्रर नहीं, बल्कि कुरान तुम्हारा कसीदा खान हो, तुम्हारा कुरान तुम्हारा मनखबत खान हो और कुरान ये कहे कि हां ये पूरा उतरता है उन शराइत पर। तो आगाए पोया का एहसान है, उन्होंने कहा 6000 से ऊपर की आयतों को हमने कभी फ्रीज नहीं किया। अब इसमें फौरी तौर पे कहीं कोई नौजवान बैठ के कहे और आए तथीर क्या करें, इसको भी फ्रीज ना करें, ना करें, इसलिए कि फ्रीज कर देंगे तो दावा दायर करने वाले कहेंगे तुमने तो 11 हिजरी में इसको फ्रीज कर दिया था, अब क्यों चाहते थे कि हमारे बुजुर्ग इसमें दाखिल हो, कैसे तुम चाहते थे कि हमारे बुजुर्ग दाखिल हो, खोल के रखिए आए तथीर को, खोल के रखिए आए कुरान को और फिर देखिए कि किसमें कितना दम है कि जो मिस्दाक है कुरान। ये एक फिक्री मामला है और ये एक फिक्री मसला है जिस पर गौर करने की जरूरत है। ये इसमें अगर मेरे आवाज सौती असरात आपकी समा कराशी करते हो, आवाज बुलंद होती हो, तो इसको ये ना समझे कि किसी
यानी मुकर्रराना अंदाज से चीजें आपको समझाई जा रही हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि सिर्फ बतलाने की कोशिश यह है कि कुरान को समझ के पढ़ने की जरूरत है। अगर आखिरी तकरीर जो मेरी यहाँ पे हुई थी उसका कोई हवाला नहीं दूंगा, मगर कुरान को समझने की जरूरत है। बस उस तकरीर से इतना मैं जुमला थोड़ा सा ये ले रहा हूं कि समझ कर कुरान को पढ़ने की जरूरत है। जहां कुरान समझ कर पढ़ा जाएगा और कुरान को खोल कर पढ़ा जाएगा तो वहां पे हैरानी नहीं होगी। लिहाजा आइए अब देखें कि वो तीन आयतें यानी 27वीं आयत, 28वीं आयत और 29वीं आयत के जिसको मैंने सरनामे में आपकी खिदमत में पेश किया, वो हमसे क्या इल्मी मुतालिबा कर रही है कि जहां बेइख्तियार हर्फे निदा है, पुकार है, कॉल है, और इस तरह की कि जिसमें अंग्रेजी में तर्जुमा करने वालों ने ओ के साथ इसको न सिर्फ ये कि मुअय्यन किया है बल्कि तर्जमे को मुज़य्यन किया है। ओ ओ यानी ये हर्फ़े निदा है जिसको उर्दू जबान में आप ऐ कहते हैं, ए कहते हैं। तो उसमें तर्जुमा हमारे पास अब जो मौजूद है हाथों में तर्जुमा है, वहां तर्जुमा क्या बना, तर्जुमा ये बना ए नफ्से मुतमाइन दावयतन नफ्सुल मुतमाइन नुरजी इला रब्बी के रावियत मर्ज़िया, ए नफ्से मुतमाइन माजी से मुताल्लिक नहीं है, हाल से मुताल्लिक नहीं है, इस्तकबाल से मुताल्लिक नहीं है, नफ्से मुतमाइन हर समय पर मुहित है, हर जमाने पर मुसल्लत है, हर जमाने पर हुकूमत कर रही है। नफ्से मुतमाइन मौत नहीं आती, इस नफ्से मुतमाइन को ये मौत पर काबू पाने वाली नफ्स है। ये तर्जुमा है, और जब तर्जुमा ये हो तो फिर वहां पे हुक्म क्या आता है ऐसे नफ्से मुतमाइन को, आर्जी इला रब्बी के राजियत मर्जिया, आ जाओ पलट आओ लौट आओ हमसे मिल जाओ, हमारी तरफ रुजू करो इस हालत में कि हम तुम्हारे रब हैं। रब वो अल्लज़ी खलक़का, वो के जिसने तुझे पैदा किया है, पैदा करने वाले से कैसे कोई मुंह फेर सकता है, जब आम मुंह नहीं फेर सकता तो खास कैसे मुंह फेर लेगा। खास तो खासुल खास की तर्जमानी कर रहा है और ये कह रहा है फिर जाओ लौट जाओ लौट आओ वापस हो जाओ मिल जाओ मुलहक हो जाओ हमारी इंदियत में आ जाओ, और इस तरह से आ जाओ कि पहले तुम राजी हो जाओ फिर हम तुमसे राजी हो जाओ। कोई और तर्जमा मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। देखिए पैदा करने वाला है जेबा देता, जेबा ये बात उसे देती कि वो ये कहे कि पहले हम राजी हो। आप समझ रहे मेरी बात, इसमें कोई मुजायका नहीं था। बंदों के हवाले अगर ये कुरान कर दिया जाता ना पहले दिन तो वहां तर्जमा ये होता, ये तर्जमा होता वो राजी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो दूसरा मरहला है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो जो टाइटलिंग की बात हो रही है ना उसमें शर्त दाखिल कर दी और शरायत के साथ है, ये फकत उनके लिए है कि जो खौफ खुदा दिल में रखते हो। ये जो रिजायत के मराहिल है ना ये वहां जचते हैं कि जहां पे खौफ खुदा हो, मगर जिसको मुखातिब ही किया जा रहा हो नफ्से मुतमाइन कहकर, जिसको ये कह के पुकारा जा रहा हो कि ऐ नफ्से मुतमाइन, नफ्से गैर मुतमाइन नहीं, नफ्से मुतमाइन। उलमा ने कहा ये वो नफ्स है कि जो दुनिया के हालात पे मुतमाइन है, इसलिए कि वो दुनिया को चलाता है अपनी मर्जी से, दुनिया की मर्जी से नहीं चलता। नफ्से मुतमाइन को ब्रैकेट करके आखिरत से मरबूत करने की जरूरत नहीं है। उस नफ्से मुतमाइन ने जिंदा रहकर बताया है इस दुनिया में जीता रहा हूं। जो इस दुनिया में जीता रहा हो तो वो इस दुनिया से मुतमाइन गया है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, मैंने बहुत बड़ी अहम बात की, वो इस दुनिया से मुतमाइन गया। ये नहीं है कि दुनिया
साथ गया। अमाल दुनिया में हो रहे थे, अमाल का महवर मरकज दुनिया, दुनिया में अमाल को अंजाम दे रहा था। वो उसकी दुनिया थी, वो अपनी दुनिया को खुद बना रहा था, वो अपनी दुनिया को खुद बुन रहा था, वो अपनी दुनिया की खुद काश्त कर रहा था, वो अपनी दुनिया की खुद आबियारी कर रहा था, वो अपनी दुनिया को खुद इस तरह से बना रहा था कि उसकी दुनिया में लोग आते थे, उसकी दुनिया में लोग आते थे और उससे लेके जाते थे। वो दूसरों की दुनिया में नहीं था, वो दूसरों की, देखिए सुनिए मेरी बात को, वो दूसरों की दुनिया में नहीं था। जैसे ही आज लफ्ज दुनिया इस्तेमाल होता है ऐसा लगता है नहीं मालूम ये काहे का लफ्ज है, कहां से आ गया। इतना परेशान करने वाला लफ्ज, इतनी परेशान करने वाली दुनिया, अरे जैसे बनाओगे वैसे ही तो बनेगी ना। उसने जैसे बनाई उस दुनिया में वैसे वो रहा। अब नफ्से मुतमईन दुनिया में आओ ना, अपने पास कोई बुला के तो नहीं बुलाता, अपने पास रख के तो कोई नहीं बुलाता। आ जाओ पलट जा जहां भेजा था वहां से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इन्ना इलैहि राजिऊन वही मुनासिब है। जब पहले इन्ना लिल्लाह हो तो ये तो है दुनिया, ये इन्ना लिल्लाह है दुनिया, और इसी दुनिया से पलट के जाने वाला गया। तो किस तरह से गया? नफ्से मुतमईन, इंतहाई इत्मीनान वाला नफ्स। अब अरबी में तारिके नफ्स को इस तरकीब के साथ तानीस में इस्तेमाल किया जाता है। नफ्से आमेना, नफ्से मोमेना, नफ्से मुसद्दिका, यानी आप समझ रहे हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह तानीस के ताल्लुक से आपके पास, आप कभी नफ्स को जब तन्हा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी नफ्स है नहीं कहते आप, बहुत अच्छा नफ्स है। ये जबान के मामला थे, इस पर कभी और गुफ्तगू की जाएगी, मगर अरबी से अगर दिलचस्पी आपको है, नफ्से मुतमईन ना, तू आ जा, मिल जा, मुलाक हो जा, लिकात पा आमादा हो जा, मुलाकात कर ले, अब आ जा। और इस आलम में देखिए आलम क्या है कि तू हमसे राजी और हम तुझसे राजी। तो मुफस्सिर ये कह रहा है कि वो उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक के जिसके ताल्लुक से पहले कहा गया तू हमसे राजी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अव्वल राजी रहा होगा तभी अल्लाह उससे राजी रहा। वो जमाने के हवादिस और जमाने के ताल्लुक से बेजार नहीं हुआ, घबराया नहीं, पलटा नहीं, भागा नहीं, फरार नहीं हुआ, शक की मंजिल पे नहीं आया। तयक्कुन ही तयक्कुन, जिसके लिए मुफस्सरीन ने कहा आलम तयक्कुन में ऐसा सरशा कि शक शक कभी मखलूत नहीं हुआ यकीन के साथ, इख्तलात नहीं हुआ हाँ या नहीं के दरमियान नहीं रहा। यही हमारी जिंदगियों का मसला, ये है हाँ और नहीं के दरमियान जिंदा है नहीं है, है भी के नहीं है, नहीं है मगर है शायद के नहीं है, यानी इस तरह से जिंदगी गुजर रही है। डेकार्टियन स्कूल ऑफ थॉट के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं हम और आप। वहां कोई रेने डेकार्ट नहीं है समझाने वाला, वहां तो रेने डेकार्ट का पैदा करने वाला है। समझ में इस तरह नहीं आएगी। इत्मीनान पा जाने वाला नफ्स, वो नफ्स जो मुतमईन है अपने हाल पे, अपने अहवाल पे। दोनों बातें दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं, अपने हाल पे, अपने अहवाल पे। उसका हाल उसकी दुनिया, उसका अहवाल उसकी बनाई हुई दुनिया। तो अब गैर क्या है उससे? देखिए ये कोई ना मंतकी गुफ्तगू है, ना कोई सूफियाना तबीयत रखने वाली गुफ्तगू है। इस पर अगर मैं आपसे कहूं, हमारे सलफी भाई
हमारे वहाबी, हमारे देवबंदी, बरेलवी, हमारे अहले सुन्ना वल जमा, असनाशरी, सूफी, यानी तफासीर की जब कैटेगरीज में आप जाएंगे, सबों ने अपने कलम को बर्जस्ता उठाया है इस आयत पे, और हर एक ने एक से बढ़ के एक हक अदा करने की कोशिश की है। और ये कहा गया, हम बताएंगे कि नफ्से मुतमईन क्या है, हम बताएंगे कि नफ्से मुतमईन क्या है, वो जो खुद गैर मुतमईन हो, वो बताए कि नफ्से मुतमईन क्या है। तो आज की मार्केटिंग में तो ये कहते हैं, जिस प्रोडक्ट पे आपका बिलीव ना हो उसको आप ना बेच सकते हैं और ना ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर इस्लाम आपके लिए वो प्रोडक्ट है जो हाँ और नहीं के दरमियान है, तो मैंने तो कहा ये सूरह फजर में तो खुलासा है जिंदगी ने जो पेश कर दिया, ये कोई और बात ही नहीं। अब जब ये खुलासा है तो आओ ना हमारी तरफ आ जाओ, और हम गैर कब से हुए तुम्हारे, हम तो तुम्हारे रब हैं, हम तो तुम्हारे मुरब्बी हैं, हम तो तुम्हारे पालने वाले हैं, हम तो तुम्हारी नशो नुमा करने वाले हैं, हम तो तुम्हें रिस्क देने वाले हैं, हम तो तुम्हें इल्म देने वाले हैं, हम तो तुम्हें दुनिया और आखिरत में बचा ले जाने वाले हैं, हम ही तो हैं। अब इस तरह से आओ कि तुम हमसे राजी, हम तुमसे राजी, तभी तो इक्वेशन बनेगी। डिस्पैरिटी में इक्वेशन नहीं बनती, आते ही मसावात कायम हो रही है, मसावात। ये मसावात वो मसावात नहीं है किसी को किसी का भाई बना दिया, नहीं, ये वो नहीं है, ये मसावात फिक्रो नजर है कि बराबर बराबर से एक दूसरे से। फदकुली फी इबादी वदकुली जन्नती, कितनी निस्बतें दी हैं अपनी तरफ, हुक्म के साथ भी है तो छोटी ये का इस्तेमाल। फदकुली, मैंने कहा था नफ्स तानीस है, तानीस है, इसलिए फदकुली फी इबादी, और कौन, तो बे इख्तियार तबरी को कहना पड़ा, फी ज़ुमरतिल इबादियस सालिहीनल मर्ज़ीन। ये तबरी है, इनका सने वफा 310 हिजरी है, उनको कहना पड़ा कि कम से कम ये इबाद का तस्किरा हो जाए वजाहत के साथ, वरना नहीं मालूम कितने खड़े होंगे ये कहते हुए कि हम मिलेंगे। तो तबरी ने ये बता दिया कि फकत इबादी, फदकुली फी इबादी काफी नहीं है, ये कुरान काफी कह के समझते नहीं है, लिहाजा इनको समझाने की जरूरत है। उस जुमरे में दाखिल हो जाओ जो सालहीन, और वो जो हमारी मर्जी के करीदे हुए और जिन्होंने हमारी मर्जी को खरीदा हुआ। तरफ़ैन की गुफ्तगू है, ये तरफ़ैन की गुफ्तगू एक तरफा नहीं है, ये वो पसंद करता है, क्या हम भी उसको पसंद करते हैं और हमने कर लिया, नहीं मालूम वो भी हमको पसंद करता है, इस तरह नहीं। मर्जी फी ज़ुमरतिल इबादियस सालेहीनल मर्जी, तो एक ही फिकरा है अब कुल मुफस्सरीन इस्लाम का, कि ना ऐसा मेजबान देखा ना ऐसा मेहमान देखा। ये मरातिबे मेहमानी और मेजबानी है, आप अपने घर में जब मेजबान बनते हैं और मेहमान को जब आप बुलाते हैं एक वक्त के ताम के लिए, आप समझ रहे हैं, तो क्या करते हैं आप चाहते हैं उसकी ऐसी कदरों मंजिलत हो, उसकी ऐसी पजीराई हो, जो कभी अगर हुई हो तो वो उसको भूल जाए, वो उठते हुए ये न कहे मगर वो में शिस्त बेहतर थी। कितनी दफा रोजाना ताल्लुक सलात की सूरत में कायम हो रहा है, मगर एक मेहमानी और मेजबानी कुछ और ही अंदाज की होगी। नमाज आपको माबूद से मिला रही है ना, तो वहां भी तो कोई किसी का मेहमान है, कोई किसी का मेजबान है, क्या नमाज में मेहमानी और मेजबानी का तस्वुर कायम नहीं होता? आप कहेंगे बेशक होता है, इतनी नमाजें कोई 57 बरस पढ़ रहा है, कोई 65 बरस पढ़ रहा है, कोई जाहिर बजाहिर पढ़ रहा है, मगर उसके बावजूद
मुफस्सिर ये कह रहा है कि इन आयतों ने तो ये बताया ना ऐसी मेहमानी कभी हुई ना ऐसी मेजबानी कभी हुई। वाह वाह वाह, ये जिंदगी है, इस जिंदगी में आने वाला ये कुरान है, इसी से हम इस्तेफादा। अब समझ लीजिए एक बात, और मुझे मैं अर्ज करूं तफसीर फुरात, फुरात कूफी, अली इब्ने इब्राहिम कुम्मी, तिब्रसी, तबतबाई, यानी आपकी फी जमाना जितनी तफासीर है सब मेरे पेश नजर है। लेकिन अगर बात को खोलता हूं अपनी तफसीर से तो कुछ अहबाब यहां बैठे हूं, क्योंकि तकरीर इंटरनेट पे भी जा रही है, तो वहां घबराहट ये होती है कि सब अपनी किताब से अपनी बात पढ़ के अपने मजमे में चले जाना। ये कौन सी ऐसी कयामत खेज बात की आपने, या आपने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि जिसमें लोग भी आपके थे, बुलाए हुए भी आपके, आपसे मोहब्बत करने वाले, कुरान भी वो जो आप कहें कि अली का कुरान है, और तर्जुमा भी वो जो आप कहें कि भाई तबीयत जो अहले बैत की थी वैसे तर्जुमे और तफसीर वाला है, उन्हीं में एक नाम तिब्रसी है जो आप तस्करे में लाते हैं और उसके बाद उसी के तर्जुमे और तफसीर को पढ़ के चले जाते हैं और वाह वाह बटोर ले गए। तो इतनी एहतियात के साथ अपनी अपनी मजलिसों और महफिलों में आता हूं कि कहीं ये शक, लेकिन चूंकि यकीन नहीं है वहां तो शक कायम हो गया, तो मुतमईन तो वैसे ही नहीं है, और बात नफ्से मुतमईन ना की है तो क्या किया जाए। तो कोशिश मेरी ये होती है कि पढ़ें, कर्तबी से पढ़िए, जहल्लाह ज़मखशरी से पढ़िए, साबित तफसीर कशाफ है तबरी से पढ़िए, फखरुद्दीन राज़ी से पढ़िए, तफसीर कबीर को उठा के देख लीजिए, अब यहां तक आइए 1431 हिजरी में गुजरने वाले तंतावीय जौहरी तक आ जाइए, इसमें घबराने की बात क्या है, घबराने की बात क्या है, हैरानी की बात क्या है। वो कौन सा वो नहीं कहेंगे कि जो हम सुनना या ना सुनना चाहे, वो वही कहेंगे जो हक है, हक के सिवा कुछ नहीं कह सकते। तो तबरी ने पहले ही मरहले में मुश्किल को आसान कर दिया ताकि कहीं कोई आमी, ये लफ्ज है आमी ऐन के साथ, आमी जिससे आमतुल मुस्लिमीन निकला है, वो पहले अपने आप को इस कैटेगरी में देख ले जो अव्वलीन कैटेगरी है, अगर इसमें पूरा होता हो तो फिर आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर यहीं कोई अमल में रुकावट पैदा हो रही है तो फिर पहले अभी यहीं रुके रहो और इसको पूरी जिंदगी दुरुस्त करते रहो। तो नफ्स मुतमईना की एक अजीब तारीफ कर दी, अल्लती ऐकनत, जो नफ्स, नफ्स मुतमईना कौन, वो जो यकीन करे और यकीन रखे कि अन्नल्लाह रब्बुहा, पहली बात कितनी आम बात लगती है, मैंने दोहरा दिया, तबरी 310 हिजरी है सने वफा, तारीख में भी कमाल पे, तफसीर में भी कमाल, और उम्महातु तफसीर में जब आप पंच करेंगे तो मुमकिन नहीं है कि पहला नाम तबरी का नाम, वो तबरी नफ्से मुतमईना में फकत मुतमईना, अभी नफ्स और नफ्स के दर्जे और नफ्स के हालात और नफ्स के मामलात और नफ्स की कैफियत का तज़किरा नहीं है, वहां सिर्फ यह तज़किरा कि मुतमईना वो नफ्स या नफ्स की कैफियत या नफ्स की हालत या नफ्स की माहियत कि जहां यकीन हो उसको कि मेरा रब अल्लाह है, पालने वाला, परवरिश करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, नशोनुमा करने वाला, बूदोबाश का इंतजाम करने वाला, मौसम के तमाम तकाजों को सामने रखकर तमकीन देने वाला, इत्मीनान देने वाला, वो यानी ईका, और उसके बाद एक दूसरा निशान बनाया तबर ने कि वो तो है यकीन की मंजिल, पहले यकीन की आ गई तो अब कौन सी मंजिल रहती है, यकीन के बाद तो बताया गया है कोई मंजिल ही नहीं है, लेकिन तबरी ने कहा कि नहीं, यकीन तो हो जाहिर है अल्लाह की जात पर और इंतहा दर्जे का यकीन, मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, परले दर्जे का यकीन नहीं, इंतहा दर्जे का यकीन हो कि वो
رب ہے میرا. اور جب یہ گفتگو نفس مطمئنہ کے تعلق سے ہے اور نفس مطمئنہ ظاہر ہے کہ جزو بدن ہے, بدن بھی اور روح بھی, بدن نشاط اولا ہے, روح نشاط اخرا ہے, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, کنٹرولنگ سیلف مطمئنہ ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کہا اللتت معنت, جو نفس اس بات پر مطمئن ہو جائے, پہلے تو یقین ہو اس کو کہ اللہ اس کا رب ہے, دوسرے اس کو کس بات کا اطمینان ہو, اس کو اس بات کا اطمینان ہو, اس نفس مطمئن کو اطمینان ہے نا, اطمینان پا جانے والی نفس ہے, تو اس کو کس بات کا اطمینان ہو, کس شے کا اطمینان ہو, کس شے کا اس کو ایسا اطمینان کہ فقط اطمینان نہ ہو, اطمینان بڑھتے بڑھتے تمانیت بن جائے, وہ اس کی زندگی کا ماحصل بن جائے, وہ اس کی زندگی کی خوشی بن جائے. وہ کیا اطمینان؟ اطمینان یہ کہ اللہ جو ہے نا وہ کون ہے, وہ اللہ وہ ہے کہ جو اس کو ایمان پر قائم رکھنے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایقان اور اطمینان برابر کے دو لفظ ہیں, ہم قافیہ لفظ ہیں, استعمال قافیوں میں اس طرح سے بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود کہ ایقان پہلے اطمینان بعد. اس لیے کیوں؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ یقول الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لو لا انزل, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نازل کرتا؟ کس چیز کو, کس طرح سے؟ تیرے رب کے لیے ممکن نہیں تھا؟ کس چیز کے لیے؟ آیت من ربہ, تیرے رب کی طرف سے کوئی آیت آتی, کوئی نشانی آتا, کوئی معجزہ آتا, کیا ممکن نہیں تھا؟ کیا ہماری خواہش کو سامنے رکھ کے وہ نازل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ہماری تمناؤں کو سامنے رکھ کر کوئی معجزہ نہیں لے سکتا تھا؟ بے اختیار کا کہہ دو اے رسول ان سے قل یضل اللہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے نا وہ اس کو گمراہ رکھتا ہے, گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. تمہارے اطمینان اس طرح سے تمہارا اطمینان قائم نہیں ہوگا کہ اس کے مطلب کی چیز آ جائے, پھر اس کے مطلب کی آ جائے, پھر اس کے, یہ فرادہ اطمینان دلانے والا عمل نہیں ہے, یہ فرد فرد کو مطمئن کرنے والا عمل نہیں ہے, امتوں کے لیے ہے, یہ امتوں کے لیے ہے. تو دیکھو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, گمراہ ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ گمراہی میں رہیں. جب اگر اس انداز سے کہیں قرآن میں لگا یضل میشا یہدی میشا, تو اس کے اندر وہ یہ شاہ اور میشا کی بحث کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا ہی ڈکٹیٹر ہے جو اپنی مرضی چلا رہا ہے. نہیں, تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد کہتا اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا, ہمارے تقاضوں میں پورا نہیں اترتا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, اب یہ ساری زندگی بھٹکتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اور یہدی الیہ من یشاء, اور ہدایت کرتا ہے اللہ اس کی کہ جو ہدایت کا طالب ہو, جو ہدایت کو طلب کرتا ہو. اور پھر یہی نہیں بلکہ اس انداز سے کہ اس کی بارگاہ میں ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا اناب کی طرح سے آتا ہو, جس سے ایک لفظ بنا منیب, جس کا ترجمہ ہے ریپینٹنٹ, توبہ کیا ہوا ہمارے دربار میں آئے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ایسے پر اپنے خان کرم کو کھول دیتے ہیں, ہم اپنی نعمتوں کو ہم اس طرح سے گستر کرتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. ہماری گسترانہ شان کو دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے لیے کیا کریں گے. اب وہ لوگ الذین آمن, وہ لوگ جو ایمان, اور پھر اس کے بعد جو ایک منزل ہے, اور وہ منزل کو سن لی کہ جو صرف ایمان لائے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس انداز سے ہم سے ملحق کیا کہ ان کا دل ہمارے ذکر سے مطمئن ہو گیا. اطمینان قلب بصورت ذکر الہی, مختصر سی گفتگو ہے, بس زیادہ وقت نہیں ہے. میں آپ کو بہت تیزی سے ایک دوسرے مرحلے میں لے جانا چاہتا ہوں.
कि बस याद रखो आगा रहो अल्लाह बे जिक्र अल्लाह है तत्मईनुल कुलूब। ईमान वाले तो वो हैं कि जो अपने कल्ब को सुकून पहुंचाते हैं हमारे जिक्र से। बहुत गौर से सुनिए, ईमान वाले कौन है? जो हमारे जिक्र से अपने कल्ब को सुकून पहुंचाते हैं। वक्फे मुतलक का निशान आया, उसके बाद आयत मुसलसल हुई अल्लाह बे जिक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब, यानी उनका अमल आलम के लिए उसूल बन गया। किसी ने अमल किया, किसी ने अमल किया उसूल बन गया। उसूल पहले नहीं बना, अमल बाद में नहीं। देखो जो ईमान वाले हैं वो अपने दिल को हमारे जिक्र से इत्मीनान दिलाते रहते हैं, मुतमईन करते रहते हैं, तमानियत पहुंचाते रहते हैं। यही तर्जुमा होगा, इसके अलावा तो कोई तर्जुमा नहीं है लफ्ज़ मुतमईन का, मेरे पास तो नहीं है, और मैं इस तरकीब से बाहर जाके कोई आम तर्जुमा लाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। या इत्मीनान कहूंगा, या मुतमईन कहूंगा, या तमानियत कहूंगा। तीन ही चीजें, और तीनों का ताल्लुक कल्ब से, तीनों का ताल्लुक कल्ब से, कहीं नहीं है दिमाग से ताल्लुक, कल्ब से ताल्लुक है। क्योंकि कल्ब है जो कल्ब मोहम्मद से मिला हुआ है, जिस पर कुरान है कि तजल्ली करता है। ये कल्ब है, ये कल्ब है, दिमाग नहीं चलाना है, रेसिपिएंट है, ये लेता है, पुरसिश नहीं करता, परस्तिश करता है। अब ये लफ्ज बड़ा मामूली लग रहा होगा आपको, मैं मजबूर था, काफिए की मजबूरी नहीं है बताने के लिए। पुरसिश और पुरसिश और परस्तिश, दिमाग पुरसिश पे आमादा, कल्ब परस्तिश पे मायल। तो सुनो, ईमान वालों का तरीका क्या? ईमान वालों का तरीका यह है कि वो अपने जिक्र को, अपने कुलूब को जिला देते हैं, सैकल करते हैं, मांझते रहते हैं, इसको एक मर्तबा शाइन करते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं हमारे जिक्र से। अंग्रेजी के दो लफ्ज इस्तेमाल किए, दोनों मेयारी नहीं थे, लेकिन इस्तेमाल मैंने किए। और अब या तो अल्लाह आगाह रहो, देखिए इंतबा आगही के साथ, मालूम यह हुआ कि किया था किसी ने अमल, वो एक था, वो दो थे, वो पांच थे, वो सात थे, वो बारह थे, वो बहत्तर थे, वो 313 थे, अदद आप शामिल कीजिए, मुझे नहीं पता। लेकिन उसूल बना उसूल कि ये ईमान वाले थे, ये करते चले आ रहे हैं, तुम इससे बाहर नहीं हो। तो कोई आज अगर बैठ के ये कहे मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, तो ये कुरानी उसूल से इन्हिराफ का ऐलान है। आगे बढ़ के कहूं, ये कुरान से ऐलान बगावत है। अल्लाह बे जिक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब, याद रखो अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहा तूबा लहुम व हुस्नु माब। अब इन काफियों को मुलाहिज़ा फरमाइए, कुरानी कवाफी है ये, इंसान के बस के नहीं है ये कुरानी। अब सुनो, ये लोग कौन है सुनते हो? ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, अमल साले इख्तियार करते हैं, बेहिश्त में इनके लिए तूबा है, और इनका अंजाम बेहतरीन है। तूबा लहुम व हुस्नु माब। इब्ने अभी हातिम ने इस लफ्ज़े तूबा की जब तफसीर की है, शजर तूबा कहा कि बहिश्त में ये दरख्त बहिश्त में होगा, जड़ इसकी अली के घर में होगी। ये इब्ने अभी हातिम है, इब्ने अभी हातिम। और यही रह कह के रुके नहीं, कहने लगे इस दरख्त की शाखें, इस दरख्त की शाखें। इब्ने अभी हातिम जिम्मेदारी के साथ ये नाम आपकी खिदमत पेश करूं, जाके फौरन देखिए, उन्होंने कहा कि दरख्त बहिश्ती है, जड़ इसकी अली के घर में। क्या ताल्लुक बनता है? मैं नहीं जानता, आप बताइए। मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहा कि फकत ऐसा नहीं कि जन्नत में किसी एक कोने पे ये घर, ये दरख्त है कि हुआ हुआ है, नहीं, हर घर जो जन्नत में है उस पर ये शाख है जो साया फेंक रहा है। अब इब्ने अभी हातिम ने ये लिख दिया हो, मुझे तहकीक की जरूरत क्या है? मैं काहे के लिए तहकीक करूं? जहां दिल में इत्मीनान ना हो वो तहकीक करने पे आमादा हो जाए। मुझे तो और इत्मीनान मिल गया। इत्मीनान तो था ही था, और इत्मीनान मेरे दोस्त ने मुझे दिला।
लगा दिया। दोस्त की दोस्ती यही तो है कि अपने महबूब को मुतमईन करता चला जाए, और ऐसा मुतमईन किया कि ना यहाँ महरूम ना वहां महरूम, यहाँ है कि बुनियाद देता है, वहां है कि साया फिगन है, और ऐसा साया फिगन है कि हर घर में, यहां नहीं पहुंचा ना पहुंचे मगर यहां वहां फरार नहीं है, वहां फरार नहीं है, इसीलिए फरारियों का दाखिला वहां ममनू है। जो इस्तकरारी है वो वहां है, जो फरारी है वो वहां नहीं है, जिनके पाए सिबात हैं वो वहां मौजूद हैं, जो यही नजात पर आमादा हैं उनको वहां पे जगह नहीं मिलती। इब्ने अबी हातिम ने यह कह के गुफ्तगू को खत्म कर दिया और कहा कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनके अमल ने कुरानी उसूल को मुअय्यन किया आलम तमाम के लिए। अब कोई अगर ये कहे कि ये हमारा अमल था तो ऐसे कहने वाले को कहिए कुरान तुम्हें धुतकार के निकाल देता। कुरान तो ये कह रहा है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो साहिबान ईमान हैं, जब तस्किरा करते हैं ना तो वो तस्किरा उनके कुलूब को मुतमईन करता है। तो आगा रहो, हमारे जिक्र में इत्मीनान है, हमारे जिक्र में खुशी है, हमारे जिक्र में तमानियत है। ये वो अली है, ये वो अली है कि जिसने आयतों पे अमल पहले किया, आयतें बाद में नाजिल हुई। समझ में आ गए? अब समझ में आया कैसे कहा अभिनंदन से मैं यशरी नफ्सहु तला मर्दातिल्ला अल्लाह रऊफुम बिलबाब। इंसानों में ऐसे भी दोस्तान खुदा हैं कि वो अपने नफ्स की जब बयो शरा करते हैं ना, खरीदो फरोख की मंजिल पे आते, जब ट्रेड करते हैं अपने नफ्स की तो मामूली ट्रेडिंग नहीं होती, नफ्स को देते हैं, हमारी मर्जी को खरीद लेते हैं। तो पहले नफ्स को बेचा, बाद में आयत आई अलाओ बेसिक्रे तत्मईनुल कुलूब। आगा रहो, जिक्रे इलाही में इत्मीनान कल्ब है। अब इसमें बस याद रखिए एक बात को, वमन जाहदा वमन युजाहिदो लिनफ्सिही। बस इस जुमले पे मैं पहुंच रहा हूं और तकरीर को अपनी खत्म कर दूंगा। याद रखिए, जो हकीकत में, अब नफ्स क्या है, नफ्स के ताल्लुक से बुनियादी मसले को समझने की कोशिश कीजिए। नफ्स सेल्फ, जिसको अंग्रेजी में कहा, और जब सेल्फ कहा, इगोइस्टिक सेल्फ नहीं है वो अनानियत पे मबनी नफ्स नहीं है, वो मुतलकुल अनानियत की पैदावार नफ्स नहीं है, वो अल्लाह की राह में बिका हुआ नफ्स है, वो अल्लाह की राह में, और राह में नफ्स बिक चुका है, उसकी मर्जी को खरीद लिया है। तो अब अगर कोई ये कहता है कि ये मर्जी अल्लाह है या मर्जी अली है, तो मुझे इसलिए घबराहट नहीं होती, मुझे इसलिए घबराहट नहीं होती भाई, उसकी चीज थी, वो दे के महरूम जब नहीं होता तो तुम काहे के लिए परेशान हो रहे हो, चीज तो तुम्हारी तो थी, ये तुम्हारी शय तो नहीं थी कि तुम परेशान हो मुझसे मेरा हक छीन कर। ये हक के नतीजे में नहीं है, ये फजल के नतीजे में है। अगर हक के नतीजे में अल्लाह की मर्जी मिलती तो फिर बहुत से खड़े हो जाते, लेकिन ये फजल के नतीजे में, और फजल कह रहा है कुछ करके दिखाओ, खाली जबानी बातें नहीं होंगी, रसूल के साथ भी, और ऐसे के पता नहीं सब ठीक है कि नहीं, और वो जो रसूल के बगैर है वो मुतमईन सो रहा हो। इस इत्मीनान के जब, इस इत्मीनान के जब शाने करीमी सदके हो रही हो, मैं और आप कहां हैं, मैं और आप कहां खड़े हैं? अब इसके बाद कोई कहे कि फलां का तस्करा, फलां का तस्करा, और फलां का तस्करा, तो मैं तो इस लफ्ज़े फलां को कुरान से ही लेता हूं कि शैतान ये कह रहा है कि अजीब मैंने काम किया, फुलानन खलीला, अरे मैंने तो फुलान को दोस्त बना लिया, वो मुनासिब नहीं समझता के नाम ले, तो जो भटका हुआ है, बहका हुआ है अपने भटके पन में,
अपने बहकेपन में इतना रास्त है, इतना समझदार है, फुलानन खलीला। अरे मैंने तो फुला को बहुत बना लिया। परवरदिगार लायक ताजीम नाम नहीं है, लायक तकरीम नाम नहीं है, लूका है के लिए। मुझे क्या जरूरत है कि मैं कोई नाम लू, मगर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि देखिए ये उसकी शान करीमी थी जो सत्ते हुए जा रही थी। एक नफ्स को दे रहा था और मर्जी को खरीद रहा था, अब वो मर्ज़ात-ए-अल्लाह हो गया। क्या हैरानी है, यदुल्ला कहे तो समझ में आता है, कहते हैं बदर नजर आती है। उज़्नुल्लाह कहे तो कहते हैं कि हाँ साहब मौजूद है, मुजादिला मौजूद है, सूरह मुजादिला पूरा मौजूद है, नजवा की आयतें मौजूद है। ऐनुल्लाह कहे तो कहे कि गैब की खबरें लाता है, आवाज सुनता है और चला आता है, मुश्किल कुशाई इस्लाम की करता है, नतीजे में मुसलमानों की मुश्किलें आसान होती हैं। तो जब सारी चीजों में इजाफत अल्लाह की, तो मर्जी के बगैर उज़्नुल्लाह, मर्जी के बगैर ऐनुल्लाह, मर्जी के बगैर यदुल्लाह, मर्जी के बगैर लिसानुल्लाह, काहे के लिए? अरे ये मर्जियां ही तो हैं, शक्लें हैं, अकसाम हैं। इसको कभी देखिए, गौर कीजिए, कुरान से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, आपस की गुफ्तगू से नहीं, कुरान से पढ़। और अल्लाह कमाल तो इंतहा पे, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, ऐसे ही तो मेहरबान होता है अपने बंदों पर। अल्लाह अपने बंदों पर यूं ही तो मेहरबानी करता है। आयत के आखिरी टुकड़े को कभी भूलिए मत, इसलिए कि वो नतीजा, जैसे किताब का आखिरी चैप्टर, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कुरान की जब आयत पढ़े, इंतहा कि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। उसकी मेहरबानी जब दर्जा कमाल पे जाती है तो एक इंसान मर्ज़ातुल्लाह हो जाता, एक इंसान मर्ज़ातुल्लाह हो गया, और वो हो गया तो अब उसके लिए क्या करें? हाँ, अपने नफ्स को, मैंने कहा ये कुरान की आयतें खुली हुई हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ना अली घबरा रहे हैं ना आपको घबराना चाहिए कि कोई कयामत तक आएगा और मुझसे छीन के ले जाएगा। वो तो कहते हैं हिम्मत है तो आगे बढ़ो, तुम्हें रोका कब था बदर में, तुम्हें क्या छोड़ दिया था? नहीं, तुम तो थे, हिम्मत नहीं थी, बाद में जरा सी हिम्मत आई, थोड़ी देर बाद देखा तो हिम्मत कहाँ, शख्स का पता नहीं। खैबर में तो वो शिकायत कर रहे हैं कि आते ही नहीं, तो अब तो कयामत तक के लिए मोहलत दे रहा हूँ, आओ ना, आयतें खुली हुई है, अमल करो, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। तो अब मुजाहिदा तुम्हारा मुझसे थोड़ी है, अपने नफ्स से मुजाहिदा करो। उसने अपने नफ्स से जिहाद किया, बस वो कामयाब हो गए, वो कामरान हो गए। यहाँ पे आयतुल्लाह उज़्मा आए रूहुल्लाह कुमैनी ने एक तीन बातें कही है कि तीन चीजें हैं मुजाहिद के लिए, जो नफ्स से मुजाहिदा कर रहा है। उनकी किताब को गौर से देखिए, अगर मुमकिन हो चहल हदीस, यानी ये वो आपके पास किताब है। एक जमाना था, ये मैं बाद में चूंकि बात आ रही है, जहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खास तौर पे, जाहिर है कि मेरा ताल्लुक और आपका ताल्लुक वहीं से है, पीछे से तो जाहिर है हम सब जहाँ से आ रहे हैं आपको मालूम है, वहाँ पे होता ये था, बच्चों को 40 अहादीस को अजबर कराया जाता था। कहते थे कि ईमान में पुख्तगी की अलामत है, यानी अपने रसूल, जो तुम्हारा रसूल है, जो तुम्हारा पैगंबर है, जो पैगाम लाने वाला है, जिसको तुम मुरब्बी कहते हो, जिसको तुम मुशफिक कहते हो, जिसको तुम नासिह कहते हो, जिसको तुम साबिक कहते हो, जिसको तुम अमीन कहते हो, बापों से बड़ा बाप है ना, तो उसकी 40 अच्छी बातों को भी याद नहीं कर सकते? ये है इसकी हिकमत। तो हर बड़े आलिम ने जहां हजारों किताबें लिखी हैं, वहां चहल हदीस को भी अपनी किताबों का हिस्सा बनाया है। आगा खुमैनी ने चहल हदीस 40 हदीसों को रख दिया है किताब में लाकर, जाहिर है कि ईमान का ऐलान भी था, और अपनी पसंद की 40 हदीसें, इसमें कोई यह भी नहीं है कि अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद ही याद होनी चाहिए, आना मदीनतुल इल्म अलियुन बाबोहा ही याद होना चाहिए। बच्चों को छोटी छोटी हदीसें इसलिए याद दिलाई जाती हैं ताकि वो नाम जो आपकी जिंदगी में सुबह शाम आपके काम आते हैं ना, ताकि उसके उनकी भी काम में आसानी पैदा हो जाए। ये है इसमें हिकमत, ये इसमें 40 हदीसों को याद किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो नफ्स से मुजाहिदा कर रहा है उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। ये तकरीर का आखिरी हिस्सा है, खत्म कर दूंगा, मेरे हक में दुआ फरमाएंगे। एक मुशारिता, एक मराकबा,
एक महासेवा। ये तीन लफ्ज नहीं है, ये पूरे पूरे तीन यूं समझ लीजिए कि स्कूल्स हैं जो मैंने खोल दिए आपके लिए। पहली चीज मुशावरता, यानी मुजाहिद के लिए लाजिम है कि वो शर्तों का ऐलान करे, वो शराइत का ऐलान करे, और शराइत का ऐलान अमल से पहले करे कि हां अपने रब की बारगाह में शर्तिया ऐलान करता हूं कि गुनाहों से इज्तनाब करूंगा। ये इसको कहते हैं मुशारका। मुजाहिदे नफ्स के लिए पहली मंजिल है शर्त की, शराइत की, मशरूत है उसको मुशारता। दूसरा मरहला मुजाहिदे नफ्स के लिए मराकबा। अब इस लफ्ज से तसव्वुफ की गलियों में भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं आप जाके हिप्नोटिज्म की किताबों को खोल के ना देखें कि भाई इससे क्या मतलब है। हमारे पास हमारे आलिम ने कहा यहां मुशारते से जुड़ी हुई शय का नाम मराकबा है। यानी क्या मतलब? मराकबे का मतलब यह है कि जब शर्त को कायम किया है तो अब उस पर पूरी तवज्जो रहे, अपनी शराइत पर पूरी तवज्जो रहे कि क्या शराइत पूरी हो रही है या नहीं। यानी इसको कहते ना एक फोकस करना, फोकस कर अमल के खुद निगरान बन जाना, मुतवज्जे मुसलसल मुसलसल अपने अमल पे तवज्जे रहे कि क्या हो रहा है और जो हो रहा है सही हो रहा है। और आखिरी मंजिल है महासेवा कि जिन शर्तों के साथ अमल को कायम किया और जिन अमाल पर पूरी तवज्जे तुमने रखी थी क्या हक भी अदा हुआ या नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं नफ्स का जिहाद अगर उसकी तरबियत हो जाए इन तीन इस्तेलाहात के साथ, और अगर आज की तकरीर से आप उठकर ये तीन लफ्ज ले जाएं और ये कहें कि ये इंटर वेरी वेल इंटरकनेक्टेड हैं, बेहतरीन तरीके से इनका एक रब्ते बाहमी है, तो यकीन जानिए जिंदगी आसान है। मन जाहदा फाइनमा युजाहिदोले नफसे ही, जिसको अब अगर कोशिश करना है तो पहले अपने नफ्स पे तो कोशिश करे। दुनिया समझती रही अली अदल कर रहे हैं, दुनिया समझती रही अली लड़ रहे हैं, दुनिया समझती रही जुल्फकार को बुलंद कर रहे, नहीं नफ्स, ये नफ्स था कि जिससे मुसलसल मुजाहिदा हो रहा था और इस तरह से हो रहा था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं नफ्स का बंदा नहीं हूं। ये तलवार जो मेरी चलती है ये अल्लाह के लिए चलती है, अपने नफ्स के लिए नहीं। अपने नफ्स की तस्कीन, तशफी, तसल्ली, तमानियत, खुशी, आसूदगी के लिए नहीं, नहीं, बल्कि इसको काबू में रखने के लिए। ये काबू में, तो अब अगर कहीं 23 बरस खामोशी रही तो उसको भी इक्विवेलेंसी के टर्म्स में देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं होता कि मुजाहिदे की जिंदगी किसी मंजिल पे आके मतरूक हो जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो जो मंजिल थी तो ये 23 बरस भी उसी मंजिल की एक सूरत है। इसमें शाकी होने की जरूरत नहीं, इसमें दो दूसरे लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, उसमें सतह जहनी को पस्त करने की जरूरत नहीं, उसमें यह कहने की जरूरत नहीं यहां कॉम्प्रोमाइज हो गया, सुलह हो गई, बात बन गई। बिगड़ी कपती जो बन जाती है भाई, जिसकी बिगड़ती है उसकी बनती है। यहां कभी आपने नफ्स को सामने रख के ना बिगाड़ पैदा किया, ना नफ्स को सामने रख के किसी बात को बनाया। बात तो वो बना रहा था, बनाने वाला तो कोई और ना था, वो था, वो था जो मुजाहिद अव्वल था। तो आप अपनी जिंदगियों में जाहिर है कि हमारे भाई ईसा अलैहि सलाम की मजलिस जब होती है तो ऐसा नहीं होता कि हमने यहां तबर्रुक बांट दिया और मजलिस खत्म हो गई, नहीं, तफक्कुर का तबर्रुक ले जाइए और तदब्बुर के जायके से उसको फिर खा के देखिए कि क्या सूरत बनती है। वहां पे मुशारते को ज़हन में रखिए, मराकबे को भी ज़हन में रखिए, महासेवा। और जब सारी शर्तें पक्की हो जाएं तो उसके बाद मुफस्सिर बेइख्तियार आवाज बुलंद करता है कि तुम तो इन तीन आयतों के मुताल्लिक कह रहे हो कि इससे मुराद वो है वो है वो है वो है, यहां तक कि हुसैन इब्ने अली हैं। इमाम शशुम से किसी ने पूछा इन आयतों, कहते हैं तीन आयतें नहीं, इस सूरह का नाम ही हुसैन इब्ने अली है।
कौन वाकिफ होगा और अगर कोई ना वाकिफ है तो उसको वाकिफ होने की जरूरत है। ऐ नफ्से मुतमईन, तकरीर खत्म हो गई, ऐ नफ्से मुतमईन अब जोड़ते जाइए, कहीं कहीं अगर आपको कोई घबराहट हो रही है तो जोड़ते जाइए। जाने वाला इस दुनिया से जा रहा था, कहीं और नहीं, इस दुनिया से जा रहा नफ्से मुतमईन, और उसको तलब करने वाला तलब कर रहा था। तलब उसको किया जाता है जो बखुशी राजी हो, वो बखुशी राजी था, राजी था, राजिया है, मर्जिया की तरफ जा रहा है, सिमत मुअय्यन है, ऐसा नहीं कि बेसिमत है। और फिर खड़े हैं सुक्काओं ने समावा तो अर्ज खड़े हैं इस्तकबाल के लिए, फदकुली फी इबादी वदकुली जन्नती। छोटी सी तफसीर कर दूं, मासूम से तफसीर है, फदकुली फी इबादी मिन मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। ये अव्वलीन मर्तबा है, ये अव्वलीन मर्तबा है कि आ जाओ उन बंदगाने सालहीनों मर्जीहीन में दाखिल हो जाओ कि जो हमारे पसंदीदा हैं। बात आ रही है हुसैन इब्न अली की, अगर हुसैन की बात आए और तफसीर ये कहे कि मोहम्मद और आले मोहम्मद में शामिल हो जाओ और जो खुद आले मोहम्मद में हो, जो खुद आले मोहम्मद में हो तो उसका मर्तबा क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा, उसका दर्जा क्या होगा, उसके मरातिब का आपको कोई अंदाजा होगा? हो सकता है कि वो कौन है, वो है कि जिसके लिए मलाइका है कि सफ़े बांधे हुए इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा इंतजार कि चल रहा है नाना के रोजे से, ला हाजत ली रुजूई इला दुनिया, मेरे लिए ये हाजत नहीं है, मेरे लिए जरूरत नहीं है कि मैं इस दुनिया से रुजू करूं। रुजू अपने आप को, यानी इस अंदाज से कि अपने आप को इस दुनिया से मैं जोड़े रहूं, नहीं, मैं तो अपने रिश्ते को तेरी रिश्ते से जोड़ रहा हूं। और फिर इस तरह से मदीने से चलते हुए जो कह रहा हो कि मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, नाना क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप इस कब्र में मुझे जगह दे दें? हुसैन इब्न अली है जिसको सीने पे पाला है, जिसको कांधे पे सवार किया है, जो अपनी मर्जी से आके पुश्त पे बैठा है। उस वक्त तक इबादतों को मुनक़ता मुकम्मल नहीं किया जब तक के बच्चा ना उतर गया। मर्तबा देख रहे हैं आप, मर्तबा देख रहे हैं, इबादत इंतहा की है, अभी मैंने अर्ज किया है सलात है, अल्लाह से ताल्लुक है, हुसैन उस ताल्लुक का हिस्सा है, ये जुमला है मेरा, ये आखिरी जुमला है, नमाज है अल्लाह की, हुसैन उस ताल्लुक का हिस्सा है, अगर हिस्सा ना होते तो पुश्त से अलहदा कर देते। वहां कैफियत ये कि जब तक जी चाहे बैठो हुसैन, जब तक जी चाहो सवार बने रहो हुसैन, जब तुम्हारा जी भर जाए तो फिर उस वक्त हम अपने आप को सजदे से बुलंद करेंगे। या रसूल अल्लाह, आपके पास गुंजाइशें थीं कि आप सर को सजदे से बुलंद कर सकते थे, इतनी गुंजाइश अगर हुसैन इब्ने अली के पास होती तो खुदा की कसम वो भी सर सजदे से बुलंद होता। मगर क्या करें, क्या करें कि मुनासिब जाना ताऊती कुवतों ने कि नहीं मालूम अब अगर ये सर खुद से उठ जाता है तो क्या हंगामा बर्पा हो जाए, तो नहीं, अब इस सर को तो हम उठने नहीं देंगे, सर को सजदे की हालत में काटा मगर उठने वाला सर था, यू नहीं उठा तो नोके नैजा पे उठ गया। और अब जब नोके नैजा पे उठ गया तो शहर ब शहर चला, करिया ब करिया चला, और इस तरह से चला कि रास्ते में देखने वाले कभी कभी देख के ये कहते, अरे ये वही सर है कि जिसके माथे पर
रसूल बोसे दिया करते थे। ये वही सर है कि जिसकी आंखों पे अपने लबहाए अक्दस को रखते थे। ये वही सर है कि जिसके लबो रुखसार के बोसे दिया करते थे। ये वो सर है, कभी तनूर में रखा गया, कभी संदूक में रखा गया, कभी दरख से टांगा गया, कभी बाबू साथ में लटकाया गया, कभी तश्ते तिला की जीनत बना, कभी खजाने यजीद में मुकफ्फिल हुआ, मगर रुक ना सका। मैंने आखिरी तकरीर जो की थी, मैं वहां से मुसलसल हो जाऊं, सर आया, तलब करने वाली सकीना थी। सर को तलब किया, रुखसार को रुखसार पे रखा, मुतमईन बिलकल बाबा से जाके मिल गई। अलाव में जिक्र है तत्माइनुल कुलूब। और अब जब आई मंजिल जाने की, तो वो सर जिसको लेके सकीना दुनिया से गई, एक मरतबा ज़ैनब ने उस सर को उठाया, शाम की औरतों से कहा, शाम की औरतों, इस जिंदान में मेरी बच्ची अकेली है। देखो यहाँ शाम के वक्त आके एक चराग जलाना अंधेरे में घबराने वाली है। वो चराग कब तक जला मुझे नहीं मालूम, मगर ज़ैनब का आलम ये था कि खुदा हाफिज एक मर्तबा करती, फिर दौड़ के आती, फिर खबर से लिपट जाती, फिर जाती सकीना खुदा हाफिज, फिर पलट के आती, अपने आप को कब्र पर गिरा देती। नहीं मालूम कितनी मर्तबा किया, करबला का मेला पहुंचा, भाई की कब्र से लिपट के कहा, भाई ज़ैनब शर्मिंदा आई है, वो जो अमानत दी थी ना, वो मुल्के शाम में रह गई। भाई मैं कसूरवार, मैं खतावार, मुझे माफ कर देना। ज़ैनब एक मर्तबा करबला से काफिले को लेके चली, अब वो पैगाम जो हुसैनी पैगाम था उसको देना था। सवादे मदीना नजर आया, ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा, कोई जाके मुनादी करे कि हम लुटे पिटे आ गए, हम एक मर्तबा इस अंदाज से आए हैं कि हमारे वाली वारिस मर चुके हैं। बशीर चला कहते हुए, या अहला यसरबा ला मकामा लकुम बिहा उतलल हुसैन फदवोई में दरारू। ऐ मदीने वालों, मदीना रहने की जगह नहीं, हुसैन कत्ल हुए, रोलो जितना रोना है। सवारियों पे सवारी आती चली, एक मर्तबा ज़ैनब की सवारी आई, बेख्तियार नाना के रोजे को देखा और एक मर्तबा बूट से अपने आप को गिरा दिया। ज़ैनब में चलने की ताकत नहीं थी, घुटनों के बल चलते हुए एक मर्तबा पहुंची, रोजे रसूल पे पहुंची है, अपने हाथों को जरी में गाड़ के पहली चीज जो कही है वो वही कही है कि नाना जाते जाते हुसैन ने बहुत याद किया था और कहा था, ज़ैनब जब जाना तो मेरे नाना को मेरा सलाम कहना। हुसैन भी बाकी है, रसूल भी बाकी है, सलाम भी बाकी है, मजलिस भी बाकी है, अज़ा भी बाकी है। आवाज यकीनन आई होगी, मगर ये जब आवाज आई होगी तो ज़ैनब का भी तो हक बनता है, बड़ी नवासी है। नाना हुसैन का तो पैगाम पहुंचा दिया, मैं तो खुद आई हूँ, मेरे बाजुओं को देखो, मेरे बाजुओं पे जो बरसियां बनी थी उस पे जो नील के निशान है, और नाना ये खलके खुदा ना होती तो पुष्के दुर्रों के निशान।